नमस्कार दोस्तों, सेना का जवान फंसा हनी ट्रैप में, पाकिस्तानी महिलाओं को शेयर किए गए आर्मी के वीडियो, जासूसी के इस पूरे मामले पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट से संबंधित गोपनीय जानकारी और सेना अभ्यास के वीडियो कथित तौर पर महिलाओं के साथ शेयर किए हैं। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से जासूसी के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। भारतीय सेना के इस जवान पर पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी देने का आरोप लगा है। इंडियन आर्मी के जवान शांतिमय राणा पर आरोप है कि उसे पाकिस्तान की दो महिलाओं द्वारा हनी ट्रैप में फंसाया गया था। सेना के इस जवान पर आरोप है कि वह इन महिलाओं को सेना की जानकारी भेजता था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारतीय सेना के इस सैनिक द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और वीडियो भेजे जा रहे थे। जासूसी के इस पूरे मामले पर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेजिमेंट से संबंधित गोपनीय जानकारी, सेना अभ्यास के वीडियो कथित तौर पर महिलाओं के साथ शेयर किए हैं। मिश्रा ने बताया कि आरोपी कुछ समय से राज्य पुलिस की खुफिया शाखा के रडार पर था। उसे 25 जुलाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वह एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था, जिसने अपना नाम गुरनूर कौर उर्फ अंकिता के रूप में बताया था। वहीं निशा नाम की एक महिला भी उसके संपर्क में थी। उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने यह जानकारी दी है। उसने बताया कि पहली महिला ने उसे बताया था कि वह उत्तर प्रदेश देश में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात है, जबकि दूसरी महिला ने उसे बताया कि वह मिलिट्री नर्सिंग में तैनात है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने उसे फंसाया और उससे जानकारी मांगी। सिपाही ने अपनी रेजिमेंट से जुड़ी गोपनीय जानकारी और सेना के अभ्यास से जुड़े वीडियो साझा किए हैं। इसके बावजूद उसे पैसे मिलते थे। राणा मार्च 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सेना में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।